नमस्कार दोस्तों, मैं वैष्णवी स्वागत करती हूं आप सभी का फास्ट इंडिया न्यूज वन में। आइए देखते हैं आज की कुछ मुख्य खबरें। क्षेत्राधिकारी व उपजिलाधिकारी ने भारी पुलिस बल के साथ इकोना कस्बे में किया औचक निरीक्षण। उत्तर प्रदेश के जनपद श्रावस्ती में कस्बा इकोना में जिलाधिकारी यशु रुस्तगी ने बुधवार को साप्ताहिक बंदी के आदेश दिए थे। हालांकि खाने पीने की दुकानें, सब्जी व मेडिकल स्टोर आदि इसमें शामिल नहीं थे, पर जिलाधिकारी के आदेशों को पूर्णतः अनुपालन नहीं हो रहा है। अधिकतर व्यापारियों ने अपने अपने प्रतिष्ठान खोल रखे हैं, जिसकी सूचना मिलते ही उपजिलाधिकारी श्री राजेश मिश्र व पुलिस क्षेत्राधिकारी श्री ताकेश्वर पांडे काफी पुलिस बल के साथ कस्बे में निरीक्षण के लिए निकले। पुलिस को देखते ही पटरी दुकानदार अपनी अपनी दुकानें छोड़ भाग निकले। पूरे बाजार में अफरा तफरी का माहौल रहा। जो दुकानें खुली पाई गई उन्हें सख्त लहजे में चेतावनी दी गई कि दोबारा अगर साप्ताहिक बंदी के दिन दुकानें खुली पाई गई तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको बताते चले कि इस निरीक्षण के दौरान कई दुकानदारों कि यहां प्रतिबंधित पॉलिथीन पाए जाने पर उसका चालान भी किया गया। इसके साथ ही कई होटलों पर घरेलू सिलेंडर पाए जाने पर उन्हें जब्त कर उन पर विधिक कार्यवाही की गई। श्रावस्ती से पीएन पाठक की रिपोर्ट। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही कुछ खास और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए फास्ट इंडिया न्यूज़ 1।